शक्य अवाप्तुम् उपायतः असंयतात्मनायोगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः असंयतात्मनायोगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना यतता शक्य अवाप्तुम् उपायतः अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। श्री भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना, मानव अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना, मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावना हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भाव के बिना सफलता नहीं मिल पाती। ओम चैतन्य मनोविष्टं स्वयं वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सदाप्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं वंशजीवं साद्वैतं सारूपं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणालयिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णामरणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका पान्त राधा कान्त नमोस्तुते भक्तवाञ्छितपौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसृते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
की जय। ओ संयतात्मना योगो दुष्प्रापो इति मे मति वश्यात्मना पूरितता शक्यो अवाप्तुमुपया उपाय। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता हुए है, ऐसा मेरा मत है। भगवान अपनी बात कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले श्लोक से। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, 35 में क्या कहा था भगवान ने अर्जुन के बात को मान लिया था। अर्जुन का क्या प्रॉब्लम था, अर्जुन ने कहा था है भगवान मैं वायु के वेग को अपने ऐसे हाथ से रोक सकता हूँ, ऐसा पकड़ सकता हूँ वायु, परंतु मन को नहीं पकड़ सकता हूँ, मन के वेग को नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। यद्यपि आपने बहुत सारे उपाय बोले हैं अभी तक, काफी उपाय बोले हैं आपने भगवान, परंतु ये सारे उपाय मेरे लिए बहुत कठिन है ना, और इसलिए मन को नियंत्रित करना दुष्कर है, संभव है, कठिन है, बहुत कठिन। तो भगवान ने 36-35 में बोला था पहला श्लोक श्री भगवान वाच। भगवान ने कहा था असंशय महाबाहो मनोदुर निग्रहम चरम, निश्चित है अर्जुन मन कैसा है, बड़ा चंचल है और बड़ा कठिन है मन को नियंत्रित करना, परंतु मन को नियंत्रित कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, दो बातें बताई थी, कहते अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। क्या कहा था, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो बातों से मन को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, संभव है, मन को नियंत्रित करना संभव है, ऐसे हमने पिछले श्लोक में देखा था। उसके पूर्व में अर्जुन ने अपनी समस्या बताई थी, अपनी समस्या में अर्जुन ने कहा था मन कैसा है, 34 में क्या बताया था अर्जुन ने, 6.34 में बताया था चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलवत्पुरम तस्याहं निग्रहं मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। मन के जो अवस्था है, चार समस्याएं, मन की चार समस्याएं अर्जुन ने बताई थी, ये मेरे मन की चार समस्याएं है। ये जो श्लोक है 6.34 इसमें जो चार समस्याएं बताई गई है वो इंग्लिश में जो माइंड कहते हैं MIND, वो चार समस्याएं अर्थात MIND माइंड, चार समस्या में चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलवत् तस्याहं निग्रहं मन्ने। तो इस प्रकार से जो चार समस्या है, पहला M फॉर माइटी बलवत् है ना, बलवान है मन है ना, माइटी माइंड और बलवत् अर्थात बड़ा शक्तिशाली है, जब ठान लेता है तो किसी की नहीं सुनता है, दौड़ाता है प्रभु, कितने वर्षों से हम दौड़ लगा के बैठे हैं, दौड़ ही रहे हैं, हमारी दौड़ कुछ रुक नहीं गई, कौन दौड़ा रहा है, सो माइटी माइंड, एम फॉर माइटी माइंड अर्थात बलवत् अर्थात बलिष्ठ मन, माइंड कैसा है, बलवान है, जो ठान लेता है तो कर ही लेता है, करवाता ही है हमसे। फिर दूसरा क्या है, आई इनफ्लेक्सिबिलिटी, दृढ़ है, फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है, दृढ़ है ना। देन चंचल ही मन कृष्ण नॉटी, MIND फॉर डेंजरस प्रमादी है ना, थोड़ा डेंजरस। सो ये अर्जुन ने चार समस्याएं बताई थी, फिर 35 में कृष्ण ने बताया था कि बात सही है, ये सारी की सारी बातें माइंड की है, निश्चित ही मन को नियंत्रित करना कठिन कार्य है परंतु कर सकते हो। 35 में बताया क्या कर सकते हो, तो बताया अभ्यासेन अभ्यास करो और वैराग्य डिटैचमेंट, दो बातों से मन को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर अब उसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं कृष्ण, अर्जुन के उस बात को सपोर्ट कर रहे, बरोबर बोल रहे हो अर्जुन, आप मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है और परंतु कर तो सकते हो ऐसे अभ्यास और वैराग्य से।
तो जब पिछले श्लोक में भगवान ने ऐसे कहा था कि मन को वश में करना कठिन है परंतु अभ्यास और वैराग्य से कर सकते हैं, तो हम सबके मन में जो आया पिछले शनिवार क्या आया होगा हम सबके मन ये सुनने के पश्चात? अर्जुन के मन में वही आया। अर्जुन के मन में जो आया वो हमारे मन की नित्य अवस्था है, हमारे मन की नित्य अवस्था है। अर्जुन के मन में क्या आया? अर्जुन के मन में ये थोड़ा सा प्रश्न आया कि ऐसा कोई उपाय होगा ना, या ऐसा कोई उपाय जो निश्चित ही होगा, हो सकता है कि जिसमें मन को नियंत्रित भी न कर सके और योग भी हो जाए। हमारे मन में ऐसा रहता है ना, ऐसा कोई दूसरा उपाय बताओ टेंशन मन को कंट्रोल भी नहीं कर सके और योग भी सिद्ध हो जाए, ऐसा कोई उपाय तो होगा? ऐसा किसके मन में आया? अर्जुन के मन में। पिछला 35 जब सुना अर्जुन ने 6.35, तो अर्जुन के मन में जस्ट ऐसा थोड़ा स्पर्श हुआ इस बात का कि मन को कंट्रोल किए बिना योग सफल हो जाए, ऐसा अर्जुन के मन में। तो भगवान उत्तर में इस श्लोक में कहते हैं यदि मन को वश में किया जाए तो योग की सफलता प्राप्त करना कठिन नहीं है, परंतु मन को वश में न किया जाए, मन को वश में नहीं किया तो क्या होगा? योग की सफलता पाना कठिन होगा। हाँ, क्या कठिन होगा? योग की सफलता पाना कठिन होगा। कब कठिन होगा? मन को नियंत्रित न कर सके तो योग संभव, असंयत आत्मायोग दुष्प्राप में नहीं, अर्थात मन को वश में किए बिना योग की सफलता प्राप्त करना कठिन है, ऐसा मेरा मत है। ऐसे भगवान के आज दशहरा है, आप सभी को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो जो रावण जिसका भगवान ने वध किया, वो रावण उस समय तो मर गया पर इस समय फिर आ गया। और फिर कैसे आ गया? फिर अनेकों पापों के रूप में हमारे चित्त में आके बैठ गया। हे भगवान श्री रामचंद्र जी, कृपा करके आप वो दश मुख वाला जो रावण हमारे अंदर है, जो हमारे मन को नियंत्रित होने ही नहीं देता, क्या करता है वो हमारे मन को? रावण का मन कहाँ नियंत्रित था? रावण इज साक्षात मूर्ति ऑफ काम, साक्षात लस्ट, लस्ट पर्सोनिफाइड इज रावण। कई बार मोह का भी कहा जाता है कि मोह साक्षात मूर्ति रावण, लस्ट साक्षात मूर्ति रावण। सो वो रावण इतना तपस्या किया प्रचंड तप किया पर फिर भी मन नियंत्रित नहीं रहा। सोचो कितना कठिन है, मन को नियंत्रित करना कितना कठिन है, सोचो। इतना भयंकर भयंकर तपस्या रावण ने किया, शिव जी प्रसन्न होकर उसको स्वर्ग की लंका दे दिया जाए, बहुत अच्छा भक्त है यार। भगवान शिव कहे इज अ वेरी नाइस डिवोटी, लेट मी गिव हिम गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी दे दिया उनको रावण को, और इतना हो गया मन नियंत्रित। तो वो जो दशानन रावण का नाम क्या है? दशानन, दशमुख वाला रावण। भगवान राम ने सब एक एक मुख को मार दिया। वो दशानन आज भी इस युग में भी जीवित है, वो हमारे चित्त में बैठा हुआ है, दस मुख वाला रावण। दस मुख कौन से? स्कंद पुराण में उसका वर्णन है, दस पाप जो है ना, वो दस पाप अर्थात दस पाप दस मुख को रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहले जो तीन पाप है वो कायिक
काय अर्थात काय से किए जाने वाले पाप, क्रिया से किए जाने वाले पाप, तीन कायिक, चार वाचिक, चार प्रकार के पाप जो हम वाचा से करते हैं, और फिर तीन प्रकार के मानसिक, मन से, मन से तीन, से टोटल कितने प्रकार के, ऐसे तो बहुत है, तीन दस मुख्य है, और ये रावण के दस मुख है, वो रावण हमारे अंदर ही है। सो भगवान को प्रार्थना करती है, भगवान आपसे भी बलशाली तो आपका नाम है, भगवान से बलवान कौन है, भगवान का नाम है, तो भगवान का नाम तो हम नित्य जप करते हैं, नित्य चिंतन करते हैं, तो भगवान के नाम को श्री नाम प्रभु को प्रार्थना करके, हे नाम प्रभु आप हमारे जीवा पे नित्य वास करें, हमारे चित्त में आप बैठ जाए, हे नाम प्रभु आप हमारे चित्त में नित्य के लिए वास करें, ताकि रावण का वास नष्ट हो जाए, रावण समाप्त हो जाए। दस पाप जो स्कंद पुराण में बताया गया है, अदत्तानां उपादानं हिंसा चैवाभिधानतः वरदारोपि सेवा च कायकं त्रिविधं स्मृतं, चार प्रकार के, तीन प्रकार के पाप जो एक्शन जो हमारे क्रिया में हो, कायिक शरीर से किए जाने वाले तीन प्रकार के पाप, क्या कहा कहते हैं, अदत्तानां उपादानं अर्थात स्टीलिंग, चोरी करना, उपादान चोरी करना एक प्रकार का पाप है, चोरी करना अर्थात कौन सी चोरी, चोरी तो बहुत प्रकार की चोरी करते हैं लोग, परंतु कोई भी वस्तु हम जो प्राप्त करते हैं वो भगवान को न दिखा के पाना, जैसे भगवान को बिना भोग लगाए खाना, ये क्या हो गया, चोरी। ये रावण का एक मुख है, क्या है, एक मुख है, ये रावण है हमारे अंदर, जो क्या करता है वो चोरी कराने के लिए प्रवृत्त करता है, कौन सी चोरी, अनेक प्रकार की चोरी, परंतु ये भगवान की चोरी, भगवान की जो संपत्ति है उसकी चोरी, भगवान की बहुत संपत्ति है, भगवान का अन्न धान्य वायु सब कुछ पंच महाभूत सब भगवान के हैं, सो इनकी हम चोरी करते हैं। देन अदत्तानां उपादानं हिंसां चैव विधानतः, वायलेंस, अनऑथराइज्ड वायलेंस, अनाधिकृत हिंसा, अधिकृत नहीं है हम उस चीज को करने के लिए, लेकिन फिर हिंसा करते हैं, वायलेंस, ये दूसरा शरीर से किया जाने वाला पाप, और फिर तीसरा है वरदारोप सेवा च कायकम त्रिविधम सूत्र, वरदारोप सेवा च अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार कुसंग, व्यभिचार, ये तीन प्रकार के पाप है क्रिया से, शरीर से किए जाने वाले पाप, ये तीन मुख हो गए रावण के, कितने है क्या सबके पास ये सूक्ष्म रूप में है, इस प्रकार से रावण हमारे अंदर रहता है। फिर दूसरे चार प्रकार के पाप है, पारुषम आवृतम चैव वैशुन्यं चापि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्च वाचिकं च चतुर्विधं, वाचिक पाप, वाचा से किए जाने वाले चार पाप कौन से, क्या है, पारुषम, पारुषम अर्थात ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जो अतिशय हार्ड, हार्श लैंग्वेज जिसको कहते हैं, कठिन शब्द प्रयोग, कठिन कहने कहने का अर्थ क्या है, कठिन अर्थात कठिन नहीं परंतु जो चोट पहुंचाए, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो दूसरे के हृदय को आहत करते हैं, ये एक प्रकार से हम टॉन्ट मारते हैं लोगों को, कई बार हम टॉन्ट मारते हैं, है ना, कटु वचन बोलते हैं दूसरों को, किसी न किसी प्रकार से आहत कर देते हैं, उस पर कहा गया पारुषम आवृतम चैव, आवृतम अर्थात ऐसे शब्द प्रयोग जो असत्य है, असत्य को कवर करके प्रस्तुत करते हैं, असत्य बातों को, असत्य वचनों को अच्छा बहुत बढ़िया पॉलिश करके प्रस्तुत करते हैं, असत्य शब्दों को पॉलिश करके प्रस्तुत करते हैं। सो दूसरा ये हुआ आवृतम चैव पशुन्यम चापि सर्वश, पशुन्यम चापि सर्वश अर्थात बैक बाइटिंग, निंदा करना है, पीठ पीछे निंदा करना,
असंबद्ध प्रलाप, असंबद्ध प्रलाप, प्रलाप असंबद्ध इररिलेवेंट टॉक, अननेसेसरी प्रजल्प करते बैठते हैं, है ना। आने से कोई इतना उसका खीस निकालते हैं किसी चीज का और जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं हमारे जीवन में है, कोई संबंध नहीं, कोई रिलेवेंस नहीं, कुछ नहीं, पर इतनी चर्चा, इतनी चर्चा, इतनी चर्चा करनी चाहिए। जैसे अभी वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, अब हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, हमको कुछ उसका लेकिन दिन रात चिंतित है, कुछ कुछ लोग फोन भी करते हैं तो मुझे वर्ल्ड वार हो जाएगा कि आपको क्या लगता है कितना इररिलेवेंट टॉक है ये, होगा तो होगा, तो होगा तो होगा, मरना है तो मरना है, जीवित रहना है तो जीवित रहना है, इररिलेवेंट टॉक एकदम, कोई एकदम भविष्य की बात है जैसा कि त्रिकालदर्शी इररिलेवेंट टॉक, या आपस में बैठ के तो घंटों तक निंदा करना या इररिलेवेंट टॉक करना या असत्य वचन करना, ये सारे के सारे, या कभी कभी बहुत ज्यादा हो गया, अति सर्वत्र वर्जे, तो अति हो गया तो फिर हार्श टॉक है ना, हार्श टॉक। सो ये सारे कौन है, रावण के रूप में, ये सब सब किसके रूप है, रावण के मुख है, कितने मुख हो गए, सात मुख हो गए। सो कायिक और वाचिक, तीन कायिक, चार वाचिक और फिर तीन मानसिक, परद्रव्येष्व विज्ञानं मनसा अनिष्ट चिंतनं वितथा विनिवेशश्च मानसं त्रिविधं श्रुतः, मानसं त्रिविधं श्रुतः, मन के तीन पाप, मन के द्वारा किए जाने वाले तीन पाप। सो परद्रव्येष्व विज्ञानं, परद्रव्य पे ध्यान लगाए रहना, दूसरों के धन की ओर देखते रहना, दूसरों के धन की ओर अपने विचार विमर्श करना, दूसरों के पास कितना है उसका विचार करते हैं, अरे उसके पास बहुत है मेरे पास नहीं, उसके पास बहुत है मेरे पास नहीं, उसके पास परद्रव्येष्व विध्यानम, ये भी एक रावण का मन, ये पाप ही करवाएगा हमसे, ये क्या करवाएगा हमसे, पाप ही करवा लेगा, आप कितने भी साधु करने का प्रयास करो, यदि ये परद्रव्य विश्व, ये पर द्रव्य की ओर हमारी दृष्टि है तो ये हमसे पाप ही करवाएगा, दूसरा कुछ नहीं करवाएगा, क्या करवाएगा, पाप है। सो ये एक रावण है, रावण का। दूसरा अनिष्ट चिंतनम, अनिष्ट चिंतनम अर्थात दुष्टता का चिंतन करना, अर्थात बैड थिंकिंग, किसी के भी विषय में बुरा सोचना, बुरी सोच है ना, किसी का मन में विचार आए तो उसके विषय में बुरा सोचना, बैड बाइटिंग, अनिष्ट चिंतनम। पहला क्या हुआ, परद्रव्येष्व विज्ञानम, दूसरा है अनिष्ट चिंतनम, और तीसरा है वित्तथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधस्मृतम, अर्थात ब्रिंगिंग अनट्रुथ इन आवर माइंड, क्या है वित्तथाभिनिवेशश्च, निवेश करना, मन को, मन अपने आप को निवेश करता है, विचार अपने आप को निवेश करते हैं, अर्थात ऐसे विचार मन में लाना जो असत्य के ऊपर आधारित है, असत्य के ऊपर आधारित है। सो कितने हो गए, दस हो गए, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, ये जो दस है ये रावण के दस मुख है, वो रावण हमारे चित्त में, कलयुग में रावण बहुत स्मार्ट हो गया, मैंने पहले भी बताया, उस युग में रावण, त्रेता युग में रावण सीधा सीधा राम को चैलेंज कर रहा था, अब कलयुग में वो भी एडवांस हो गया, वो दिखता ही नहीं, किसी ने देखा रावण, दिखा कि खाओ गली में इधर उधर नहीं दिखा, अब दशानन है तो कोई खाओ गली में दिखेगा पर नहीं दिखा, नहीं दिखता, क्योंकि सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर हमारे चित्त में उपस्थित है, और ये दस उसके मुख है, और ये दस मुख, दस पाप उसके मुख है, इसके कारण हमको
अर्जुन कह रहे हैं मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। Unauthorized violence, violence authorized होता है? Yes, authorized violence, कोई सैनिक है और बॉर्डर पे खड़ा है, कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है, तो शत्रु को गले में हाथ तो नहीं डालेगा उसको, तो वो authorized violence। So that is Prabhupada जी उसको हिंसा नहीं कहते, उसको Prabhupada जी बोलते वही अहिंसा है, वो हिंसा नहीं, वो क्या है, अहिंसा है। So इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो और इनको मारो, that is authorized violence, अर्थात अहिंसा। So अर्जुन के इन बातों को, कृष्ण की बातों को जो अर्जुन समझे और समझ कर जो बोले वो यही कि इसके कारण मेरा मन नियंत्रित नहीं होता है, हम सबका मन नियंत्रित नहीं होता है। अभी जो 4-6 अध्याय हुए वो सब बातों का अर्जुन ने किस प्रकार से उत्तर दिया वो हमने देखा पूर्व में। तो अब हम क्या करें, ये इतना बड़ा भयंकर रावण हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो आज दशहरे का दिन है, आज और कल तक दशहरा है, कल सुबह तक, तो जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान का नाम भगवान से भी शक्तिशाली है, तो भगवान उस रावण को मार सकते हैं, तो भगवान का नाम इस रावण को मार सकता है। So, नित्य भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होने से हम क्या कर सकते हैं, अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, मन को नियंत्रित कर सकते हैं, रावण को मार सकते हैं, है ना। So, इसलिए असंयत आत्मा योगो दुष्प्राप्तो इति मे मति, अर्थात मन को वश में किए बिना योग में सफलता प्राप्त करना कठिन है, और जब तक हमारे अंदर के रावण को नहीं मारते तब तक हम योग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, जीवन को यशस्वी नहीं बना सकते, जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, शांति सुख आनंद ये सब भक्ति ये जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक कि हम अपने अंदर का रावण, पुतले जला के तो बहुत मार रहे हैं, अपने अंदर का रावण मारा है, आज तीर चला और आपको अपने हाथ के अंदर, कौन सा तीर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो बहुत ध्यान पूर्वक रुचि से प्रेम से इस नाम का उच्चारण करेंगे ना, वो रावण निश्चित ही भस्म हो जाएगा, सारे दशमुख जो पाप के दशमुख देखे वो सारे समाप्त हो जाएंगे। सो अब हम यह समझे कि मन क्या है, कई बार तो हमारे पास ये प्रश्न आता है, मन है क्या, क्या मन जड़ है, जड़ अवस्था में है, क्या मन चिन्मय है, चेतन है, क्या है, क्या बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट मन को माइक्रोस्कोप में देख पाए हैं अभी तक, किसी ने मन को देखा है, देखा किसी ने, डॉक्टर्स वगैरह बड़े बड़े डॉक्टर्स साइंटिस्ट देखा माइंड को, नहीं देखा देखा किसी ने, देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखा, जब माइंड है तो देख देख क्यों नहीं सकते, सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप में, इसलिए मन के ऊपर यदि विजय प्राप्त करना है, मन को यदि नियंत्रित करना है, तो भौतिक साधनों से मन कभी भी नियंत्रित नहीं हो सकता, ये ज्ञान, मन भौतिक नहीं, मन जड़ नहीं है। सो भगवान इसमें जो बता रहे हैं योग की सफलता, योग की सफलता किसमें है, इसकी व्याख्या प्रभुपाद जी करते हैं। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, योग की सफलता यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त होगी, योग की सफलता जब आप अपने हृदय में भगवान का दर्शन करोगे तब योग की सफलता, अपने हृदय में भगवान का दर्शन, जब हृदय में भगवान का दर्शन होगा तब ही जीवन सफल होगा, तब ही योग की सफलता हमको प्राप्त होगी।
कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान का हृदय में दर्शन ये कोई सत्य घटना नहीं हुई, भगवान का हृदय में दर्शन ही कोई कल्पना होगी। क्या होगी? कल्पना। किसी ने कल्पना कर लिया, उसने जैसी कल्पना किया तो भगवान वैसे हो गए, वैसे भगवान का हृदय में दर्शन हो गया, कल्पना करने से होते हैं। सो योग विधि का अर्थ है कि हृदय के भीतर श्री कृष्ण का जो भी रूप विराजमान है उसी रूप को देखना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा मन जो कह रहा है उस रूप का दर्शन करना, ऐसा नहीं। क्या कहा गया है? गोपाल जी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं? जो वास्तव में रूप है वही हृदय में होगा और वही उसी का दर्शन होगा, न कि मेरा मन गणत कोई रूप सामने आया और उसी का दर्शन। तो वो क्या है? वो भ्रम है, वो मोह है। जो वास्तविक भगवान का रूप है वही हृदय में स्थित होता है और उसी का दर्शन होता है, ना कि भ्रम का दर्शन होता है। सो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता है उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो। भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार, ऐसे प्रभुपाद जी को भौतिक व्यापार अर्थात क्या? भौतिक व्यापार अर्थात हमारे जो रोज की जो उधेड़बुन लगी हुई है, हमको जो उधेड़बुन लगी हुई ना जो कार्यकलाप हमारे हृदय में वो कार्यकलाप बैठा हुआ है, कृष्ण नहीं। हम क्या करते हैं कि इतना हम अटैच ओवर अटैच हो जाते हैं, ओवर अटैच हो जाते हैं कि कई बार नहीं प्राय ज्यादातर हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। हम भूल जाते हैं कौन है हम, क्यों आए मुंबई में, क्यों आए मिलावर में, क्यों आए इस अनुकम्पू जगह पे, क्यों आए इस परिवार में, क्यों इस पड़ोसी के साथ आए, क्यों इस सोसाइटी में आए, क्यों इस गांव में आए, क्यों आए यहाँ, क्या है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई। ये हम भूल जाते हैं और हिप्नोटाइज हो जाते हैं कार्यकलाप में, रोज के कार्यकलाप में हिप्नोटाइज हो जाते। इसमें गोपाल जी क्या बोल रहे हैं, ये जब तक इन व्यापारों से विलग नहीं होते तब तक आत्म साक्षात्कार में सफलता नहीं है। और आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं? गोपाल जी बोलते हैं हृदय में भगवान का दर्शन होने को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। किसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार? हृदय में भगवान का दर्शन होने को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और हृदय में भगवान का दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक हम भौतिक सांसारिक बातों में बहुत ज्यादा जो हमारे अटैचमेंट है उससे थोड़ा दूर नहीं होते तब तक हमको भगवान का दर्शन नहीं होगा। सो भौतिक भोग में मन लगाकर योग संभव नहीं है। भौतिक भोगों में यदि मन लगा होगा तो योग कैसे संभव होगा? नहीं होगा। सो योग को संभव करने के लिए भौतिकता से धीरे 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 हटना चाहिए। अब यहां बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है, कितना धीरे? इतने तो लाइफ टाइम निकल गया, अभी पता नहीं कौन सा जन्म है, हजारों जन्म निकल गए होंगे, अब भी धीरे 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 कितना धीरे, कितने जन्म? कभी भी एक अमीरपुर में उदाहरण दिया था, एक डिवोटी थे, उनका यंग लड़का इस्कॉन में आ गया। अब इस्कॉन में कोई आ जाता है तो माता पिता सबसे पहले भयभीत हो जाते हैं। जब बच्चे इस्कॉन में आ जाते हैं ना, इस्कॉन मंदिर में जाना लगते हैं तो माता पिता को बड़ा भय लगने लगता है। तो गणेश जी के मंदिर में गए, दुर्गा जी के नवरात्रि में डांडिया खेलने गए, माता पिता को अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं फंस नहीं जाएगा, अच्छी बात, कहीं ना कहीं माया जाल में फंस जाएगा, जन्म मृत्यु के चपेट में आ जाएगा, पूरा जीवन घिसते रहेगा, बहुत अच्छी बात।
इसमें माता पिता की बड़ी प्रसन्नता है और भगवान की भक्ति में आएगा, नाम जप करेगा, झोली माला लेगा, गीता भागवत का जीवन आचरण करेगा तो खराब है, ये नहीं चाहिए। चिंता हो अभी समय नहीं है, अभी समय तो एक डिवोटी थे अमेरिका में, उनका लड़का मैंने शायद पहले बताया था, उनका लड़का मंदिर ऐसे रोज आने लगा। तो एक दिन वो पिताजी उनके गए मंदिर में और जो वहाँ के सीनियर कर्मचारी थे, सीनियर भक्त थे, उनसे बात किया कि क्या है आपने मेरे लड़के का ब्रेन वॉश कर दिया, ऐसा कैसा किया आपने, ये लड़का अभी मंदिर ही आते रहता है, ये क्या ये कोई उम्र है उसकी, केवल 20 साल का है, ये कोई उम्र है उसकी मंदिर में आने। तो बोले ठीक बात है, हम उसको समझाएंगे, फिर वो चले गए। दूसरे दिन वो सीनियर भक्त उनके घर पे गए, उनके पिताजी को मिलने के लिए, बोले आपकी बात मैंने बहुत सीरियसली ली, आपने बोला कि क्या उम्र है ऐसा वैसा, तो मैंने उसको बहुत समझाया, अब मैं दूसरा प्रपोजल लेके आया। बोले अभी क्या है, हम आपके बच्चे को नहीं लेते हैं भक्ति में, आप ही आ जाओ, उसको छोड़ दो, आप तो बोले रिटायर हो 60 साल की आपकी उम्र है, आपने बोला नहीं अभी करने की बात, 60 साल में करने की बात, रिटायरमेंट आप तो रिटायर हो, आप तो 60+ 60+ हो, आप आ जाओ। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, आप मेरे बच्चे को ही लेके मुझे लेगा। तो इस प्रकार से अटैचमेंट भयंकर वस्तु है अटैचमेंट। तो जब तक इस प्रकार की अटैचमेंट रहेगी ना, हम भक्ति में नहीं पड़ सकते। इतनी प्रचंड आसक्ति जब तक हमारे हृदय में है, हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझते। जीवन का उद्देश्य व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस बात को प्रभु जी दिन में 10 बार रिमाइंड करवाना चाहिए अपने आप को, रोज डेली 10-20 बार रोज रिमाइंड, व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ। एकदम इंटेंस काम में लगे हो, तीव्र काम चल रहा है, हाई इंटेंसिटी है, ऑफिस में बैठे हो, बॉस से बैठे बैठे रहे, एक सेकंड के लिए आप बोलते हो कि बहुत स्ट्रगल आप हैं, क्योंकि उस समय हम भूल जाते हैं और भूलते इतना भूल जाते कि हमको सैटरडे संडे याद रहते हैं भगवान से। भले हम जप करते हैं सुबह भगवान के नाम, लेकिन उस जप में भी हम पर्पस भूलते हैं, जप कर रहे हैं लेकिन व्हाट इज द पर्पस, नहीं नहीं जप काम खत्म करो, 16 बोला है खत्म करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ यार। सो जीवन का उद्देश्य हमको पता होना चाहिए, नॉट ओनली पता होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था हमको एक्टिव भक्ति करते आना चाहिए, ऐसी भक्ति एक्टिव डिवोशन, नॉट इनएक्टिव, एक्टिव डिवोशन। लेकिन पता है सर कुछ निठल्ले बैठे, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ समझ नहीं रहे, तो ऐसे भी सिचुएशन में हमारे लिए योग संभव नहीं है, ऐसी मानसिकता के साथ हम भगवान से नहीं जुड़ सकते। योग का अर्थ क्या है, भगवान से जुड़ना, ऐसी मानसिकता में भगवान से जुड़ना बहुत कठिन है, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं, तो क्या गलत बात है, सही तो बात है। अब कृष्ण बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा तो डिटैच हो जाओ, थोड़ा डिटैच हो जाओ, डिटैच होने का अर्थ क्या है, डिटैचमेंट मीन्स व्हाट, अटैचमेंट टू कृष्ण, डिटैचमेंट मीन्स अटैचमेंट विद कृष्ण। सो कृष्ण यही तो बोल रहे हैं कि भाई मेरे से अटैच, अब मेरे से अटैच हो जाओ मीन्स व्हाट, हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तो कृष्ण ने भगवद गीता में गृहस्थों के लिए तो सारे उपदेश दिए, अब क्या बोल रहे कृष्ण, बहुत सारी बातें बोल रहे कृष्ण, बहुत सारी बातें बता रहे, अर्जुन गृहस्थ ही है ना, अर्जुन को संन्यास देने के लिए तो नहीं बोल रहे कृष्ण, अपने कर्म करो, अर्जुन को बोल रहे युद्ध करो, कर्म करो, परंतु मेरे उपदेशों के अनुसार करो, कैसे करो, मेरे उपदेशों के अनुसार कर्म करो, वही डिटैचमेंट है।
उसी को अनाशक्ति कहते हैं, उसी को वैराग्य कहते हैं, क्योंकि मुझे वैराग्य नहीं होता है किसके प्रति, मुझे नित्य लगता है कि मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही होना चाहिए। ये सबसे बड़ी अटैचमेंट है। तो वो कर जो मैं चाहता हूँ होगा वही जो तू चाहता है, भगवान बोलते हैं पहले, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहता है, तू वो कर जो तू चाहता है तो होगा वही जो मैं चाहता हूँ। So, कृष्ण की ये बात को यदि हम समझ लेंगे तो दिस इज व्हाट इज डिटैचमेंट, यही तो वैराग्य है। और कृष्ण ने गृहस्थों के लिए बहुत सारी बातें भगवत गीता में, इनफैक्ट गृहस्थों के ही लिए बताया है कैसे जीवन यापन करे, कैसे कर्म करे। इसलिए तो बार बार बोलते कर्म करे, कर्म करे, युद्ध करना था क्या, कर्म कर्म कर्म। तो सबसे पहला तो कर्म हमको रावण को मारना है हमारे अंदर, हमारे अंदर तो दशमुखी रावण दशा में बैठे हैं, उसको मारना है। और भगवान इतने नम्र है, पूर्व के श्लोक में हमने बताया था कि सिखाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, सिखाने के तरीके, हाउ टू टीच, कैसे सिखाया जाए, उसके तीन चार टाइम बताए थे ना लास्ट टाइम। तो अब इतना इंस्ट्रक्शन दिया, इतना इस श्लोक में सिखाया, और इसके पश्चात क्या कह रहे, इति मे पति। कृष्ण कह रहे देखो ऐसा है कि बाबा मन को कंट्रोल करना, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, असंयतात्मा दुष्प्राप्त इति मे पति, बहुत कठिन है मन को नियंत्रित करना, आई नो दैट। परंतु मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, ये मेरा मत है। कृष्ण क्या बोलते हैं, ये मेरा मत है। कितने हम्बल है देखो, क्या बोल रहे भाई अर्जुन, ऐसा मेरा मत है, पोलाइटली अपना मत रख रहे हैं। आज्ञाकारी सेंटेंस नहीं है ये, आज्ञाकारी भाई, मैं एक विद्यार्थी को सालों से सिखा रहा हूँ और अचानक को वो विद्यार्थी उठकर खड़ा होता है कि अभी तक आपने जो सिखाया वो कुछ, मैं उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता, मेरे मुझे कुछ नहीं समझा होता ना, मैं उसको समझना चाहता हूँ। तो कोई मेरे जैसा शिक्षक होगा तो वो तो क्या करेगा, भग जाएगा उसके ऊपर, क्या अभी तक टाइम वेस्ट किया, ये किया वो कितना बोल रहे। परंतु कृष्ण क्या बोल रहे, भाई देखो ऐसा 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 है, ऐसा मेरा मन है है ना, किसी भी प्रकार की जो भाषा का उपयोग कर, हम लोग रावण का रूप बताए ना, एक कठिन भाषा है ना, कटु वचन, किसी प्रकार का कटु वचन नहीं बोला है कृष्ण ने अर्जुन ने, ऐसा बोलने के पश्चात भी कृष्ण बोले ऐसा ऐसा है, ऐसा निरा हो, अब आगे आपकी इच्छा। सो अब आप सोचो कृष्ण का ज्ञान पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम होने के कारण का ज्ञान भी पूर्ण है और का विचार भी पूर्ण है, और फिर भी बोल रहे हैं ऐसा मेरा मन है। हम लोगों का ज्ञान भी अपूर्ण है, विचार भी अशुद्ध है, और फिर भी बोलते हैं मेरी बात मान। मैं नहीं बोलता कि ऐसा मेरा मत है आपको लगता है तो सुनो, नहीं मैं क्या बोलता हूँ, ये सही है, यही सही है, यही सही है, ना मैं पूर्ण हूँ, ना मेरा ज्ञान पूर्ण है, ना मेरा विचार शुद्ध है, फिर भी बस आई एम द बॉस, फिर भी क्या आई एम। कृष्ण क्या है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, ज्ञान पूर्ण है, भगवान का विचार पूर्ण है, भगवान स्वयं पूर्ण है, और फिर भी बोलेंगे इति मे पति, ऐसा मेरा विचार, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो भगवान के जब विचार होते हैं तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान का कोई मत है तो उस मत को हमने सीरियस तो लेना चाहिए कि लाइट लेना चाहिए, हाँ, ये भगवान बोल रहे ऐसा मेरा मत है, आप सोचो कितना टॉप सीक्रेट बनाओ तो टॉप सीक्रेट हमको दे दिया, साक्षात कृष्ण बोल रहे ये मेरा मत है तो हमने क्या करना चाहिए, ऐसा कोई सिनेमा एक्टर बोलता है ऐसा मेरा मत है, ये अमुक अमुक साबुन बहुत अच्छा है
सारा संसार साबुन खरीदता है, और वो जो व्यक्ति है ना उसका कैरेक्टर है, ना उसका ज्ञान है, ना उसके शुद्ध विचार है, कुछ भी नहीं उसके पास। फिर तो भगवान बोल रहे ऐसा मेरा मत है भाई कि अभ्यास है ना वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से योग प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति। तो हमने फॉलो करना चाहिए, हमने स्वीकार करना, क्योंकि भगवान स्वयं ही पूर्ण है। सो जब व्यक्ति कोई विशेष प्रकार से प्रभुपाद जी कुछ लोगों की बात करते हैं जो भगवान के इन शब्दों को महत्व नहीं देते, भगवान वो क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं प्रभुपाद जी के बार तात्पर्य की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे महानुभाव हैं समाज में, कुछ ऐसे आपस संप्रदाय भी हैं, वो लोग क्या करते हैं कृष्ण की पूरी गीता को बताते हैं, और कृष्ण की गीता बताने के पश्चात वो बोलते कि ऐसा मेरा मत है। कृष्ण का मत नहीं बोलते, कृष्ण ने ऐसे बोला, कृष्ण ने वैसे बोला, कृष्ण ने ये बोला, कृष्ण ने बोला, परंतु मैं ऐसे बोलता हूं, ऐसे मेरा मत है। आप समझ रहे ना, कृष्ण बोल रहे ऐसा मेरा मत है, लेकिन मैं बोल रहा हूं नहीं, कृष्ण का भले ही ऐसे मत है लेकिन मेरा मत ऐसे है, ऐसे मैं गीता में बोलता हूं। ऐसे संसार में अनेक आपस में होता है, वो क्या करते हैं, यहाँ इति में मति जो शब्द कृष्ण ने अपने लिए स्वयं के लिए बोला है, वो लोग अपने लिए स्वयं अपने लिए उस शब्द का प्रयोग करते हैं। इति में मति भगवान ने बोला है, सत्यं कीर्तयन्तो माम नित्य मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरे नाम का जप करो, फिर आप मुझे प्राप्त कर लो, ऐसे बोला है भगवान। वो लोग क्या बोलते हैं, भगवान ने भले ऐसे बोला होगा परंतु मेरा मत ऐसा है कि आप एक बिंदु की ओर देखते रहो, आप भगवान प्राप्त होंगे। एक बिंदु लगा दीवार में उसको देखते रहो, भगवान प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा मत है। तो इस प्रकार के जो अप संप्रदाय है प्रभुपाद जी बोलते हैं वो विष के समान है, वो क्या है, विष के समान है। सो दूध में जो दूध है, ये दूध में सर्प अपना मुख लगा ले तो क्या होगा, पूरा दूध विषाक्त हो जाएगा, है ना, पूरा दूध विषाक्त हो जाता है। विष की मात्रा कितनी रहती है, इतनी सी, और दूध की मात्रा कितनी रहती है, हाँ, बहुत ज्यादा रहती है, विष की मात्रा इतनी सी रहती है, परंतु इतना सा वो एक बूंद इतने सारे दूध को विषाक्त बना देता है। ऐसे ही भगवत गीता दूध के समान, इतना बड़ा विशाल ज्ञान है भगवत गीता, भगवान ने दिया हुआ ज्ञान विशाल है, परंतु उसमें मैं इतना भी अपने मन का डाल देता हूं, कितना, इतना सा बूंद भर, एक बूंद भी मैं अपने दिमाग से, अपने आसक्ति के अनुसार, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अनुसार मैं उसमें डाल देता हूं, इतना। तो पूरा गीता का ज्ञान मेरे लिए विष का कारण है, विषाक्त हो जाए, मेरा अहंकार बढ़ाएगा, मेरी आसक्ति बढ़ाएगा, मेरा फेक नेचर जो है ना वो बढ़ाएगा, मेरे सामने द्वंद्व प्रस्तुत करेगा, बच्चों को शांत करेगा। तो ये इस प्रकार से भगवत गीता का ज्ञान दूध के समान विशाल है, परंतु इतना भी अशुद्धता, एक बूंद का भी यदि मैंने बाहर से उसमें डाल दिया, बेस्ड ऑन माय सेल्फिश नेचर, मेरे स्वार्थ के आधार पे, मेरे आसक्ति के आधार पे, ये बूंद भर भी मैंने उसमें कुछ डाल दिया, तो पूरा ज्ञान जो पूरा जो है सब क्या हो जाएगा, विष के समान हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने भगवद गीता को क्या लिखा है, प्रभुपाद जी ने जो भगवान कृष्ण के शब्द यथारूप वर्णन किए, इसलिए प्रभुपाद जी ने नाम क्या रखा है, भगवद गीता एज इट इज, यथारूप, ऐसे के ऐसे। उसमें प्रभुपाद जी ने कुछ ऐसा बिना कृष्ण को छोड़ के कुछ नहीं लिखा, कृष्ण को छोड़कर एक बात भी प्रभुपाद जी ने नहीं लिखी उसमें, और आप संसार में बहुत सी गीता मिलेगी उसमें देखो कृष्ण को छोड़ के सब कुछ है, और गीता बोली किसने,
कृष्ण नहीं बोली भगवान, भगवान श्री कृष्ण नहीं भगवत गीता बोली, परंतु ऐसे कमेंट्री करते हैं भगवत गीता पे कमेंट्री करने वाले कि कृष्ण को छोड़ के सब कुछ लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, मूल हो गया ना निष्काश, पूरे संसार का ट्रैक भटक जाता है संसार। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो बताया है कि उसी प्रकार से हम चलेंगे, भगवत गीता का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हमारे अंदर के रावण को हम मार पाएंगे। सो दूसरी पंक्ति है, वश्य आत्मना तु यतता शक्यो अवाप्तु उपायतः, अर्थात मन को वश में करने से प्रयास करने पर सफलता मिलती है। मन को वश में करना सबसे पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी इज कंट्रोल योर माइंड। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट priority of our life is to control our mind. अपने मन को नियंत्रित रखो, इसलिए आध्यात्मिक जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता है। न केवल आध्यात्मिक जीवन की, भौतिक जीवन के लिए भी मन स्थिर होना आवश्यक है, चंचल मन को यश नहीं मिलता है ना। So the first and foremost, very important, पहली प्राथमिकता क्या है, मन को नियंत्रित करना। अब हमारा ये जो अध्याय है, क्या है अध्याय का नाम जो चल रहा है, ध्यान योग। ध्यान योग का प्रारंभ जो है वो मन को वश में करने से ही होता है। और यदि हमारा मन वश में है, यदि हमारा मन वश में है तो ध्यान अपने आप हो जाएगा। मन यदि वश में है तो मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है, मेडिटेशन अपने आप होते रहता है, ध्यान अपने आप होते रहता है, करने की आवश्यकता नहीं है। इफ योर माइंड इज अंडर कंट्रोल, सो श्री प्रभुपाद जी योग पथ में लिखते हैं, यदि मन भगवान के विषय में नहीं सोचता है तो उस समय वह माया के ही विषय में सोचता है। सो यदि मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, यदि मन को भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे, यदि मन भगवान के नाम में रुचि नहीं करेगा तो फिर वो डेफिनेटली माया के ही विषय में सोचेगा। क्योंकि मन कुछ ना कुछ तो करेगा, तो क्या करेगा, आइदर वो आध्यात्मिक सोचेगा, आइदर वो क्रिएटिव सोचेगा, और वो किसी प्रकार से भौतिकता का सोचेगा। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मन को आध्यात्म के विषय में, भगवान के विषय में, नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में सोचने की ट्रेनिंग दो डेली, रोज मन को ट्रेन करो। हाँ, मन को ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। और हमारा संप्रदाय, हमारा एजुकेशन, हमारे इंस्ट्रक्शंस, हमारे गुरु परंपरा ने दिए हुए हमको इंस्ट्रक्शंस और साक्षात भगवान की उपस्थिति नाम के रूप में, ये हमारे साथ नित्य रहते हैं। हमको मन को कंट्रोल करना है, अर्थात हमको नहीं करना है, हमको केवल भगवान के प्रगाढ़ विश्वास रखना है, भगवान के नाम में प्रगाढ़ श्रद्धा रखनी है। भगवान का नाम हमारा मन कंट्रोल करेगा, हमको नहीं करना होगा। हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। भगवान का नाम हमारा हमारे मन को नियंत्रित करवाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में भगवान का नाम हम तक पहुंचा है, गुरु परंपरा के माध्यम से पहुंचा है। ये भगवान ने जो हमको महामंत्र किसने दिया, महामंत्र साक्षात भगवान ने आकर अवतार लेकर स्वयं ही महामंत्र का जप करो। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार है, दोनों हाथ उनके ऊपर है, आपने देखा ऐसे हाथ, दोनों हाथ ऊपर का अर्थ क्या है आचार्य बताते हैं, दोनों हाथ ऊपर करने का, देखिए
इतनी अनलिमिटेड मर्सी है वो जो हमारे अंदर को पहुंचा है। और दूसरा एक और ऐसा भी हाथ होता है, एक भगवान का एक हाथ ऐसा होता है, एक हाथ ऐसे नीचे होता है, कभी कभी ये पोज में भी होते हैं। तो ये पोज करता क्या, चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि जो टॉप मोस्ट मर्सी है, जो बेस्ट एंड टॉप मोस्ट कृपा है, वो मैं एकदम फॉलन सोल जो एकदम नीचे है उस तक पहुंचा रहा हूं। ऐसे लेकर ऐसे एकदम टॉप मोस्ट मर्सी लोवेस्ट पर्सन तक पहुंचा रहा, ऐसे भगवान आए देने के लिए। और इसलिए वो ये दे रहे हैं, इसलिए इस नाम में बहुत शब्द। कई बार लोग हमको ये दो चार पांच दिन में प्रश्न पूछ रहे हैं, बड़े विचित्र प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमने यही बात बताई है कि हमारे पास क्या क्या है। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले भगवान का नाम है, नाम चिंता वेरी इंपॉर्टेंट। वो नाम क्या कर सकता है, वो नाम कुछ भी, कितने भी शक्तिशाली राक्षस को मार सकता है। हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की, कैसे की, कौन सी तपस्या की, ओनली नाम जप, ओनली नाम जप। हरिदास ठाकुर ने ओनली नाम जप किया, श्रील प्रभुपाद जी ने ओनली नाम जप किया और पूरे संसार में मंदिरों का निर्माण किया। ओनली नाम, वो नाम हमारे साथ है, वो नाम को और ज्यादा मीठा और ज्यादा अमृतमय बनाते हुए हमारी गुरु परंपरा ने उसको हम तक पहुंचाया है। हाँ? दूसरी बात, संपूर्ण गुरु परंपरा जो आप सोचिए, हमारे आचार्य हमारे परंपरा में कैसे कैसे आचार्य बन गए, एकदम सारे देवी देवता हमारे परंपरा में आए हैं। भगवान चैतन्य की लीला, कृष्ण लीला के सारे परिकर चैतन्य लीला में है, वो हमारी गुरु परंपरा में। लाखों लाखों भक्त इस हम हमारे इस संस्था से जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व से विश्व में जुड़े हुए हैं। रोज डेली जहां जहां कहां इस्कॉन मंदिर है, वो प्रत्येक मंदिर में रोज भागवत का कथा हो रहा है। रोज कब से हो रहा है, जब से स्थापना हुई तब से हो रहा है, रोज आरती हो रही, रोज कथा हो रही, लाखों लोगों को प्रसाद मिल रहा है, लाखों लोग नाम जप कर रहे, शास्त्र का अध्ययन कर रहे, अपने जीवन को सुधार रहे, कितने लोग जुड़ गए हैं, कितने लोग गोलोक धाम चले गए हैं, वहां से आशीर्वाद दे रहे, कितने आचार्य नित्य हमारे साथ रह गए। इतना सब आपको नहीं दिखता और पटना आपको दिख जाता है, तो वो मत देखो, ये इतना सब कुछ देखो। Don't see that kind of issues. वो देखने वाले देखेंगे हमको क्या, इतना सब कुछ है, वो देखो, explore that. आपको भी कोई प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि ये बेकार की बातें हैं। हमारी संस्था क्या है, हमारे तत्व क्या है, हमारी फिलोसॉफी क्या है, हमारे उपदेश और उद्देश्य दोनों क्या है, हमारे साथ जुड़े हुए कौन है, हमारे साथ जुड़े हुए ब्रह्मदेव है, नारद मुनि है, इनको देखो। हाँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो भगवान हमारे साथ है, भगवान का नाम हमारे साथ है, और ये भगवान का नाम और भगवान और आचार्यगण क्या करेंगे, हमारे अंदर के रावण को मारने के लिए हमको शक्ति प्रदान करें। सो ये बहुत महत्व की बात है कि हमको शक्ति जरूर प्रदान होगी, परंतु हमको करना हमको पड़ेगा। उसको कहते हैं एक्टिव डिवोशन। तो हमको सब शक्ति प्राप्त है ना, कुछ करने नहीं है, शक्ति सब प्राप्त है, सब हम गीता पर दर्शन करते पढ़ते सब शक्ति प्राप्त है। प्रयास भी आवश्यक है ना, हमको प्रयास कर भी रहना है। सो कई बार आपका संप्रदाय अनेक बातें बताते हैं, ऐसे ऐसे अनेक घटनाएं होती है जो हमको विचलित कर देती है, सब कुछ होता है,
परंतु हमारे साथ हो गए। इस बात को बार 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 दोहराने के लिए अर्जुन के साथ कौन है, अर्जुन की दशा बहुत विचित्र हो गई, अर्जुन गलित गात्र हो गए, अर्जुन घबरा गए, अर्जुन के मुख सूख गया, पसीने पसीने हो गए, हाथ हाथ पैर कांप रहे, बैठ गए। परंतु अर्जुन के साथ है कौन, यही तो महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ कौन है, भगवान कृष्ण तो वही, परंतु संपूर्ण आचार्यगण जो भगवान के भक्त है उनके साथ हमारे साथ कृष्ण, संपूर्ण कृष्ण है हमारे साथ, नॉट ओनली अर्जुन कृष्ण, कृष्ण के भक्त वृंद भी हमारे साथ है और कृष्ण। सो सारांश रूप में हम देखें तो कृष्ण यहाँ क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, योगी को जो अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर सफलता मिलती है, योगी को सफलता कब मिलती है, वो चेष्टा करता है, बड़ी कठिन चेष्टा तपस्या करता है, फिर उसको सफलता प्राप्त होती है ना। हमने देखा ना अभी तक योगी को क्या क्या करना है, योगी को ये करना है, वो करना है, हमने आसन से लेके आसन कैसा लगाता है, आसन पे कैसे बैठना चाहिए, वहां से लेके तो उनके मन की अवस्था क्या होती है वहां तक चर्चा की योगी के विषय। तो योगी को बहुत कुछ करना होता है, परंतु कृष्ण जो है अर्जुन को अभी इस श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, योगी को बहुत चेष्टा करनी होती है और इतना चेष्टा करने के पश्चात उसको सफलता प्राप्त होती है, परंतु हे अर्जुन यदि तुम मेरी आज्ञा से युद्ध करोगे, हे अर्जुन यदि तुम मेरी आज्ञा से युद्ध करोगे तो तुम्हें वही सफलता प्राप्त होगी जो योगी को सफलता प्राप्त होगी। सो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध करने का अर्थ है अभ्यास और विराम। यद्यपि बहुत कठिन है परंतु हे अर्जुन यदि आप अभ्यास करोगे और विराम करोगे, डिटैच हो जाओगे, जिस बात से अटैच होके तुम घबरा गए, द मूल कारण, द बेसिक रीजन ऑफ योर कंफ्यूजन, आपका इल्यूजन जो है अर्जुन, इसका मूल कारण क्या है, अटैचमेंट। क्या कारण है, अटैचमेंट इज द बेसिक रीजन, मूल कारण। सो मूल कारण अटैचमेंट है, यदि मेरे कहने के अनुसार सेवा करोगे, कर्म करोगे, युद्ध करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको वही सफलता प्राप्त होगी जो योगी को सफलता प्राप्त होगी, है ना। तो क्या हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, बस भगवान की आज्ञा का पालन करना, यदि वो आज्ञा का पालन होगा तो सफलता प्राप्त होगी, है ना। यही भगवान इस श्लोक में कहना चाहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो आज का ये जो मुख्य विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, रावण को बाहर से भूलो, रावण अपने ही अंदर है, दशानन है, दशमुख वाला है, दशमुख अर्थात दस पाप, तीन कायिक, चार वाचिक और तीन मानसिक, इन सारे पापों से हमको बचना है, तो भगवान के नाम का जप करना होगा। भगवान के नाम का जप करने का अर्थ है हमारे मन को स्थिर करना, नित्य नियम से यदि हम जप करते हैं तो धीरे 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 कई बातें अपने आप छूट जाती हैं, वो पता भी नहीं चलता है, कई बातें छूट जाती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति रिफाइन होते जाता है। हमारा कंसर्न केवल एक ही शब्द से वो है धीरे धीरे, है ना, कितना धीरे धीरे और अपना स्वयं डिफाइन करे कि धीरे धीरे के चक्कर में हम कहीं एक जगह बैठ तो नहीं गए। सो धीरे धीरे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तक का है,
है ना। द्वापर युग में 1000 वर्ष तक आयु थी तब भी वो लोग फास्ट करते थे आध्यात्मिक काल। हमारा 100 वर्ष का है और हम धीरे धीरे करते हैं, तो हमको थोड़ा सा फास्ट कर रहे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं